अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 5। टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट में ये एक्सरसाइज अपनी बुक में लिखने के लिए बोला था, होप आप सब ने लिख लिया होगा। अब हम आगे जाते हैं। तो राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, मॉनिटर क्या काम करता है? आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड इज डिस्प्ले बाय द मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड इज डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर। ओके, तो ये हुआ मॉनिटर। नेक्स्ट देखो, प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो स्टोर्स प्रोसेस डेटा। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम करता है? इट प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू जो इंस्ट्रक्शन मिलती है और जो स्टोर प्रोसेस है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज टू अनदर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे कि हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कंप्यूटर टाइप करेंगे, तभी पता चलेगा कि कैसे क्या फाइंड होता है। तो ये कीबोर्ड ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है। ओके, नेक्स्ट देखो, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर्स ऑल द डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन ऑन इट। मतलब मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर करता है ऑल द डेटा प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को। क्या करता है? स्टोर करता है, जिसे हम मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रिंटर। इंफॉर्मेशन और आउटपुट कैन बी प्रिंटर ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर का काम क्या है? जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने टाइप किया है उसे आउटपुट बाहर निकालना है। मतलब इन्फॉर्मेशन जो टाइप की है उसको हमें हार्ड कॉपी की तरह हमें बाहर चाहिए, तो ये प्रिंटर उसका काम करता है। इन्फॉर्मेशन और आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर, ये प्रिंट निकालते हैं ना हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये शॉर्ट्स थे, ये आपको अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट। तो इनपुट क्या है? इनपुट इज डेटा एंटर। व्हाट इज इनपुट? इज डेटा एंटर। आउटपुट, आउटपुट क्या करता है? इंफॉर्मेशन जनरेटेड। आउटपुट क्या करता है? इंफॉर्मेशन जनरेटेड। आपको इनपुट के सामने इसका राइट आंसर डेटा एंटर्ड वो लिखना है, और आउटपुट क्या है? तो इंफॉर्मेशन जनरेटेड। ओके, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है वर्किंग ऑन डेटा। क्या है प्रोसेसिंग? वर्किंग ऑन डेटा। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। क्या है प्रोग्राम? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? मेमोरी यूनिट जो स्टोर करता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा वैसे ही। ओके बेटा, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंप्लीट होता है। तो आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको अपनी नोटबुक में जो मैंने एक्सरसाइज दी है वो अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखनी है, और ये जो 1 to 20 जो ब्लैंक है वो भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, नेम ऑफ द फॉलोइंग ये भी आपको राइट डाउन अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिखना है ना, कंप्यूटर की नोटबुक। और ये जो मैंने आज जो चलाया है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैच द फॉलोइंग ये भी आपको करेक्शन ऐसे ही लिखना है। इनपुट डेटा एंटर्ड, आउटपुट इंफॉर्मेशन जनरेटेड, प्रोसेसिंग वर्किंग ऑन डेटा, प्रोग्राम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज मेमोरी यूनिट, ऐसे करके आपको अपना मैच द फॉलोइंग लिखना है। ओके बेटा, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल करके पूछना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।